हाय फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बच्चों में जो खांसी की समस्या होती है उसके बारे में। तो आप इस वीडियो को अंतिम तक जरूर देखें ताकि आपको इसकी पूरी जानकारी मिल सके। और अगर आप इस चैनल के ऊपर पहली बार आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल का बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। तो फ्रेंड्स, आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ दो प्रकार के मेडिसिन है। तो फ्रेंड्स, अभी मैं इन दोनों मेडिसिन के बारे में आपको डिटेल से जानकारी देने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करेंगे इस एल्जिन एलएस ड्रॉप के बारे में। तो ये सॉल्यूट केयर की बनाई हुई एक बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है और इसकी प्राइस की बात करें तो इसकी प्राइस 50 रुपीज है और ये 15 ml के एक पैक में आती है। यहाँ पे इसके अंदर के मॉलिक्यूल की बात करें तो इसके अंदर तीन प्रकार के मॉलिक्यूल का इस्तेमाल किया गया है। पहला है लिबोसाल्बुटामोल, दूसरा है एम्ब्रोक्सोल हाइड्रोक्लोराइड और तीसरा है गोनिफेंसन। यहाँ पे अगर इसके मॉलिक्यूल की मात्रा की बात करें तो लिबोसाल्बुटामोल 0.25 mg इसमें इस्तेमाल किया गया है पर ml में और एम्ब्रोक्सोल हाइड्रोक्लोराइड इसमें 7.5 mg का इस्तेमाल किया गया है। गोनिफेंसन की बात की जाए तो वो यहाँ पे 12.5 mg का इस्तेमाल किया गया है। यानी कि अगर आप 1 ml अपने बच्चे को इसका इस्तेमाल करवाते तो वहां पे इतनी मॉलिक्यूल की मात्रा आपके बच्चे के अंदर जाती है। तो इस प्रकार से ये जो ड्रॉप है ये बहुत ही शानदार ड्रॉप है। अगर आपके बच्चे को खांसी की समस्या रहती है तो वहां पे आप इस ड्रॉप का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी जो मेडिसिन है ये है एजी क्लास 100 mg की मेडिसिन और ये एपेक्स के बनाई हुई बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है और इसके प्राइस की बात करें तो इसके प्राइस 63 रुपीज है और ये 30 ml के एक पैक में आती है। और फ्रेंड्स, इसके अंदर के मॉलिक्यूल की बात करें तो इसके अंदर एजिथ्रोमाइसिन का इस्तेमाल किया गया है जो कि इच ml यानी कि 1 ml में 20 mg मिलाया गया है। यानी कि अगर आप इस सिरप का इस्तेमाल आप 1 ml अपने बच्चे को करवाते तो वहां पे आपको 20 mg एजिथ्रोमाइसिन जाती है। तो इस प्रकार से ये जो दोनों मेडिसिन है ये बहुत बढ़िया ढंग से आपके बच्चे को अगर खांसी की समस्या तो उसमें काम करती है। एजिथ्रोमाइसिन जो है ये खांसी में बहुत ही बढ़िया मॉलिक्यूल माना जाता है, बहुत ही बढ़िया एंटीबायोटिक माना जाता है। बड़े से लेकर बच्चों तक के लिए सभी को एजिथ्रोमाइसिन खांसी में बहुत ही अच्छी ढंग से काम करती है। मैं इस ड्रॉप को दिखा देना चाहता हूं कि इसके अंदर किस प्रकार की पैकिंग है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये ड्रॉपर है, इसीलिए इसमें ड्रॉप भी एक दी गई है और यहाँ पे आपको एक छोटी सी बोतल मिलती है जो कि 15 ml की इसमें मेडिसिन आपको दी गई है और इस ड्रॉप की सहायता से आप आराम से अपने बच्चे को इस मेडिसिन को दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से इसकी जो पैकिंग है वो भी काफी खूबसूरत है, काफी बढ़िया है। और यहाँ पे एजी क्लास 100 की बात करें तो इसके अंदर कांच की बोतल दी गई है जो मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। इस प्रकार की इसके अंदर बोतल है और ये रेडी यूज सिरप है, यानी कि ये लिक्विड बेस में है जो कि बहुत ही बढ़िया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपके बच्चे को सर्दी खांसी जैसी समस्या होती है तो वहां पे आप इन मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे को दम्मे वाली खांसी होती है तो वहां पर भी ये ड्रॉप जो है ये बहुत ही बढ़िया ढंग से काम करती है क्योंकि इसमें लिबोसाल्बुटामोल भी मिलाया हुआ है जो कि दम्मे वाली खांसी में बहुत ही बढ़िया ढंग से काम करती है। इसके अंदर जो एम्ब्रोक्सोल हाइड्रोक्लोराइड मिलाया हुआ है वो बच्चे की कफ जो है उसको ये बाहर निकालती है। तो इस प्रकार से ये जो मेडिसिन है अगर आपके बच्चे को सर्दी खांसी की समस्या रहती है तो आप वहां पे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, इसके डोज के लिए आप अपने डॉक्टर की सलाह ले लें फिर आप इसका इस्तेमाल करें क्योंकि आपके बच्चे की एज और वेट के अनुसार से ही इसकी डोज दी जाती है। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा लोगों को इसकी जानकारी पहुंच सके। और अगर आप इस चैनल के ऊपर पहली बार आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल का बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को अंतिम तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। धन्यवाद दोस्तों।